हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कोर्स अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी अच्छी डेवलप हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का अपना एक योगदान हो, अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को आगे रखकर, इसी को सामने रखकर मैग्नेट ब्रेन्स अपना आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। तो हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत इसी नोट पर करते हैं कि हम लोग लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे हमारे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका क्लास 11th की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है इंडिविजुअल गेम्स। उसमें हम लोगों ने जिमनास्टिक्स तक जो है हमारी बातचीत कर ख़त्म करी थी। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे और एक और इंडिविजुअल गेम के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है जिसका नाम है जूडो। जूडो भी जिमनास्टिक्स की तरह इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। जिस तरह से क्रिकेट को बड़े लेवल पर खेला जाता है उस तरीके से जूडो जो है उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। अगर आप आम जनमानस की बात करेंगे तो बहुत से लोगों को जूडो के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी नहीं पता। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जूडो से रिलेटेड उनके बारे में आपका इंडिया में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, मगर फिर भी ये गेम काफ़ी हद तक जो है इंडिया में खेला जाता है। हमारे यहाँ से ओलंपिक्स में और बाकी सारी बाकी जो इवेंट्स होते हैं जूडो के उसमें भी आपके पार्टिसिपेंट्स वगैरह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये गेम एक सर्टेन लेवल पर जो है इंडिया में प्रैक्टिस होता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं, बट फिर भी अभी बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस नहीं है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसकी मदद से कहीं ना कहीं हम लोग जूडो को जानेंगे, जूडो के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो आपके जूडो के इवेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड लॉट अदर थिंग्स। तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। आज का सेशन काफ़ी हद तक जो है ज्ञानवर्धक रहेगा अगर आप जूडो में इंटरेस्टेड हैं तो भी, और अगर इंडिविजुअल अगर आप एक जनरल आइडिया लेना चाहते हैं उसके लिए भी, इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस, अ नॉलेजेबल लेक्चर। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, चलें शुरू करते हैं। जूडो का जो ओरिजिन माना जाता है या जूडो की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जापान से हुई थी, यानी कि जूडो का जो जन्म है या इसकी ये जो खेल है या फिर जो पूरी की पूरी कला है इसकी उत्पत्ति जो जापान से मानी गई है। जापान में भी अब ये कई फॉर्म्स में प्रैक्टिस होता था, मगर फॉर्मली जूडो को जैसा हम लोग आज की तारीख में जानते हैं कि ये प्रक्रिया आप करोगे तो भाई या फिर ये चीज़ें आप करोगे तो ये जूडो की कैटेगरी में आती हैं। ये इन्वेंट हुआ था या यूं कह लें कि ये डिसाइड हुआ था 1882 में। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था, जापानीज ही थे, उनका नाम था जिगोरो कानो, एक जापानी व्यक्ति थे। इन्होंने इस गेम को 1882 में इन्वेंट किया था, या फिर यूं बोल सकते हैं कि इसके पहले की जितनी भी प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही थी उन सबको एक तरीके उसके ऊपर कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे, उसमें कुछ एडिशन किए थे, कुछ सब्सट्रैक्शन किए थे, और अल्टीमेटली जूडो जिस फॉर्म में आज हम जानते हैं उस फॉर्म में जो है काफ़ी हद तक हम उन्होंने इसको जो है उसको उस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने में इनका जो है योगदान रहा था। इसलिए इनको कई बार जो है फाउंडिंग फादर ऑफ जूडो भी कहा जाता है, या फिर यूं बोला जाता है कि जूडो के जो आपके इन्वेंटर थे उनका नाम था जिगोरो कानो। तो ये अपने को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि जूडो क्या है, जूडो का ओरिजिन जो है एक गेम के तौर पर या फिर उसके पहले एक सेल्फ डिफेंस की स्टाइल के तौर पर और उसमें से फिर एक गेम के तौर पर रिवॉल्यूशन वगैरह जो है जापान में हुआ है 1882 के आसपास में। जिगोरो कानो नाम के एक व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया था और इनको फादर ऑफ जूडो कहा जाता है। अब जूडो जो है इसके अलावा भी जापान में काफी सारी तरीके की सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी आपका जो है प्रैक्टिस की जाती है, अटैकिंग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस की जाती हैं। इन्हीं सारी सेल्फ डिफेंस की और अटैकिंग टेक्निक्स में से एक टेक्निक हुआ करती थी, एंशियंट टेक्निक हुआ करती थी सेल्फ डिफेंस की, जिसको बोलते हैं जूजुत्सु। इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ डिफेंस की एंशियंट टेक्निक हुआ करती थी जिसको क्या कहा जाता था, जूजुत्सु। आज की तारीख में यह माना जाता है कि जूडो जो है उसी का एक कॉम्प्रिहेंसिव एंशियंट उसी का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है। एंशियंट जो आपका जूजुत्सु की प्रैक्टिस होती थी उसी में आपने कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस वगैरह किए हैं और उसके नतीजे में आपका जूजुत्सु जो है उसमें से आपका जूडो निकल कर आया। अब जिन लोगों ने 2005 में बैटमैन की जो एक मूवी आई थी बैटमैन बिगिंस अगर वो देखी होगी तो उसमें उनको पता होगा कि जो आपका ब्रूस वेन है उसकी जब ट्रेनिंग होती है और उसको एक निंजा बनाया जाता है, बैटमैन बनने के पहले उसकी जो ट्रेनिंग होती है और वो जो निंजा
के तौर पर निकल कर आता है, तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो जुजुत्सु की ही दी जाती है। उसमें जो मेन विलन था जो उसको ट्रेन करता है, तो वो बोलता है कि मैं आपको जुजुत्सु की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इसकी मदद से आपकी स्ट्रेंथ और काफी एक वक्त में काफी सारे लोगों के साथ में एंगेज करने या फाइट करने की आपकी कैपेबिलिटीज जो है बढ़ जाएंगी और आप एक अच्छे निंजा के तौर पर निकल कर आएंगे। तो जुजुत्सु जो थी वो एक ऐसी आपकी एंशियंट सेल्फ डिफेंस की टेक्निक थी जिसमें आपको एक निंजा बनाया जाता था। जिगोरो कानो ने क्या किया, इस टेक्निक में से काफी सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली इकट्ठी करी, पूरी की पूरी टेक्निक नहीं मगर वो काफी सारी चीजों को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली इकट्ठा किया और उसके बाद में उसको जूडो का नाम दे दिया। तो आप लोग कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जूडो जो है बेसिकली एक आर्ट है सेल्फ डिफेंस का, अपनी खुद की रक्षा का जो है एक आर्ट माना जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड अ गेट वे ऑफ अटैक विद द हेल्प ऑफ वंस ओन बॉडी। अब अपनी आत्मरक्षा का एक तरीका है और अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर आपको अटैक भी करना पड़े तो उसके लिए एक जेंटल तरीके का इस्तेमाल कर आप अटैक करते हैं और इसके लिए किसी हथियार का नहीं अपने शरीर का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो चीज जो है जूडो की कैटेगरी में आ जाती है। तो जूडो के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहली चीज जापान में ओरिजिन हुआ है 1882 में, जिगोरो कानो ने इसको जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है डिसाइड किया था। जुजुत्सु करके एक एंशियंट सेल्फ डिफेंस का एक आपका एक टेक्निक हुआ करती थी, कहीं ना कहीं ये उसका मॉडर्न सक्सेसर या मॉडर्न फॉर्म माना जाता है। इसमें हम लोग करते क्या है, अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस अगर आपको सेल्फ डिफेंस के नाम पर किसी पर हमला भी करना है अटैक भी करना है तो भी वो अपने शरीर की मदद से किया जाता है, वो अपने बॉडी की हेल्प से किया जाता है, उसके लिए किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। इनफैक्ट ये जो वर्ड जूडो है इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं, जू का मतलब होता है जेंटल जापानी भाषा में और डू का मतलब होता है पाथ, यानी कि जूडो जो है वो एक जेंटल पाथ माना जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये जो है जूडो का नाम भी यहां से इस तरह से निकल कर आया है और इसको वो आपका जिगोरो कानो के द्वारा 1882 में ऑफिशियली 1882 में पढ़ाया जाना शुरू किया गया था एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम था कोडोकान जूडो इंस्टीट्यूट। वहां से फिर जो है जूडो अपना शुरू हुआ था, वहां से फिर ये जूडो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। अब क्योंकि ये एक आइडियल फॉर्म माना जाता है फिजिकल अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सेल्फ डिफेंस करने के लिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए इसका जापान में काफी बड़े लेवल पर जो है प्रैक्टिस किया जाने लगा। वक्त के साथ में फिर ये जापान के बाहर भी निकला और अल्टीमेटली फेमस होने लगा, होते 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 गेम के रूप में भी जो है काफी ज्यादा प्रचलित हुआ और उसके बाद में फिर इसको ओलंपिक्स वगैरह में और बाकी जगहों पर शामिल किया गया। अब क्योंकि ये एक आपका पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाया जाता है, इसमें काफी सारी चीजें हम आपको सेल्फ डिफेंस करना है तो सीखना पड़ती हैं। इसमें आपको थ्रोइंग भी सिखाई जाती है, आप किसी विपक्षी को कैसे जो है पटक सकते हो, मारदा भी सिखाया जाता है कि आप हिट कैसे करते हो, किक कैसे करते हो, किसी को चोक कैसे करते हो, बेंड कैसे करते हो, पिन कैसे करते हो, पिन करने का मतलब होता है उठा के सर के बल फेंक देना या पटक देना। तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस के नाम पर जूडो में आपको सिखाई जाती है। लगभग हर तरीके की टेक्निक अलग अलग तरीकों से आप किसी टेक्निक से बेंड करना, किसी से चोक करना, किसी से किक करना जो है आप वो कर सकते हो। अब जिगोरो कानो ने किया ये था कि इन सारे के सारे प्रिंसिपल्स वगैरह को जिनकी मदद से आप अटैक करते हैं या फिर आप डिफेंस करते हैं और अटैक में फिर आप चाहे हिट कर रहे हो या डिफेंस में आप जो है आप चाहे अपने आप को अपनी रक्षा कर रहे हो, इन सबको रिव्यू कर उन्होंने जो है अल्टीमेटली डिसाइड किया कि कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से जो है अप्लाई किया जाएगा और अल्टीमेटली उसके बाद में फिर एक गेम के तौर पर ये पूरी तरह से इवॉल्व हुआ। पहले सेल्फ डिफेंस के नाम पर ही सिखाया जाता था मगर वक्त के साथ में होते 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 अल्टीमेटली ये एक आपका सेल्फ डिफेंस टेक्निक के रूप में जो है निकल कर आया। जिगोरो कानो ने जब इन सारी अलग अलग प्रक्रियाओं को की जाने वाली प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स वगैरह को आपने जब रिव्यू किया और उसके बाद में डिसाइड किया कि क्या करोगे आप और क्या चीजें नहीं करोगे, क्या आप कर सकते हो, क्या आपके लिए वर्जित है, जब एक बार ये डिसाइड हो गया उसके बाद में फिर जो है ये आपका गेम वगैरह के रूप में इवॉल्व हुआ और उसके बाद में जूडो के कॉम्पिटिशन वगैरह भी जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब मेल कैटेगरी में जूडो पहली बार एक गेम के तौर पर आपका टोक्यो ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 में। टोक्यो में ओलंपिक्स आपकी अभी जो लेटेस्ट में हुआ था 21-22 में, उसके पहले भी हुआ है 2021 के या 2020 में जो ओलंपिक्स होना था 2021 में टोक्यो में हुआ था, उसके पहले भी कई बार आपका टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ है तो कंफ्यूज मत करिएगा। टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था 1964 में, उसमें जो है पहली बार जूडो को मेल कैटेगरी के में गेम के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में बार्सिलोना में 1992 में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो है फीमेल कैटेगरी या फिर वुमेन कैटेगरी के लिए भी जो है जूडो को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इतना जो है अपने को ध्यान में रखना है, यहां से कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके बनकर तैयार होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो यह है कि जूडो का इंडिया में इमर्जेंस किस तरीके से हुआ था।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ जूडो इन इंडिया, हिंदुस्तान में जूडो किस तरीके से जो है आया और किस तरीके से खेल के रूप में अडॉप्ट हुआ। तो इंडिया में सबसे पहले जूडो जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में। इनका जो खुद का इंस्टीट्यूशन चलता है जिसका नाम भी आपने सुना होगा शांति निकेतन में पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर जो इनका इंस्टीट्यूशन चलता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में जूडो को एक स्पोर्ट्स के तौर पर या फिर जूडो की प्रैक्टिस वगैरह को जो है इंट्रोड्यूस वगैरह करवाया था, या फिर यूं बोलूं कि उसके लिए एक जूडो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जो है विश्व भारती में खोला गया था। अब ये माना जाता है आज की तारीख में कि ये करने का जो सजेशन था उनको एक व्यक्ति ने दिया था जिनका नाम था ओकाकुरा काकुजो। ओकाकुरा काकुजो नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो जापान में जूडो के मास्टर हुआ करते थे। अब वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे और उन्होंने जो है उनको फिर ये सजेशन दिया था कि भाई आपको भी जो है अपने बच्चों को जूडो वगैरह सिखाना चाहिए। इस वक्त में एक चीज और हो रही थी कि 1905 के आसपास में स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो काफी बड़े लेवल पर जोर पकड़ रहा था, तो ऐसे वक्त में अंग्रेजी सामान का काफी बड़े लेवल पर बॉयकॉट हो रहा था और अंग्रेजी एजुकेशन का भी काफी बड़े लेवल पर बॉयकॉट हो रहा था। इसके चलते हुआ क्या कि लोगों ने फिर ईस्ट में जो आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं उनकी तरफ देखना शुरू किया सामान के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी। यहां से कई लोग जापान गए थे अपना टेक्निकल एजुकेशन के लिए खासतौर पर, तो यहां से फिर जापानी और इंडियंस के बीच में काफी ज्यादा इंटरेक्शन वगैरह हुआ। उसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर का जब इनसे मुलाकात हुई होगी ओकाकुरा काकुजो से, तो उन्होंने फिर इनको सलाह दी कि बाकी चीजें अगर आप जापान से सीख रहे हो टेक्निकल एजुकेशन और बाकी सब कुछ तो आप फिर जूडो भी जो है अडॉप्ट करो। उसी के चलते फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके सजेशन पर इसकी शुरुआत करी थी और इसके लिए इन्होंने एक जूडो एक्सपर्ट जो है उसको जापान से इंडिया में बुलवाया था 1905 में और उनकी फिर देखरेख में आपने एक जूडो ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको ओपन कर दिया। खैर अब यहां से बातचीत शुरू हुई, लोगों ने थोड़ा बहुत जूडो जो सीखा नहीं सीखा, चलते चलते कहानी आपका 60 साल आगे आती है 1965 में आजाद भारत में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना की गई। और एक बार जब जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई तो उसके बाद में इसमें लगातार आपको ग्रोथ देखने के लिए मिली है, स्टीडिली जो है धीरे धीरे ये काफी हद तक ग्रो करता चला गया। और आज की तारीख में इंडिया में जितना भी आपका जूडो से रिलेटेड चीजों को देखा जाता है, जो भी हैंडलिंग वगैरह होती है, वो आपका जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करोगे कि जूडो की गवर्निंग बॉडी कौन सी है तो उसका नाम है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड आपकी जूडो को गवर्न करने वाली बॉडी है, और इंडिया में अगर बात की जाए तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो उसको गवर्न करती है। 1966 फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप इन हैदराबाद। तो 1965 में जो है आपने जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी थी और उसके बाद अगले ही साल से जो है आपने जूडो वगैरह के नेशनल लेवल पे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया। तो पहली नेशनल जूडो चैंपियनशिप जो है हैदराबाद में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 1966 में ऑर्गेनाइज करवाई थी। यानी कि ये गेम पहले से खेला जा रहा था, इसको खेलने वाले या प्रैक्टिस करने वाले काफी लोग थे, बस एक फेडरेशन की जरूरत थी या फिर एक संस्था की जरूरत थी जो इन सब चीजों को हैंडल कर सके, और उसके लिए फिर आपका जूडो फेडरेशन वगैरह जो है इसको बनाया गया और उन्होंने फिर अच्छा काम किया भी है। और दिखता है ये कि आपने बनने के अपने अगले साल जो है एक इंटरनेशनल इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवा लिया। खैर अब आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स करके भी हमारा एक गेम्स वगैरह होते हैं जिसमें एशिया की अलग अलग कंट्रीज वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं। इन एशियन गेम्स में जूडो को जो है 1986 में इंक्लूड किया गया था सियोल में, जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पर, एंड इंडिया गॉट इट्स मच नीडेड ब्रेक इन सियोल एशियन गेम्स वेयर इंडियन बैग्ड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। इंपॉर्टेंट है, हम लोग जूडो में पार्टिसिपेट तो करते थे मगर जूडो में हमारी हालत वही थी जो जिम्बाब्वे की हालत हुआ करती थी क्रिकेट में कुछ सालों पहले, कि जिससे मैच खेलो उसी से हार जाओ, या फिर आपको सिर्फ जो है मैच में पार्टिसिपेशन करने तक ही जो है आपका आपका बस काम था, मोर और लेस पहले से पता रहता था कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जिस तरह से जिम्बाब्वे की स्थिति ठीक नहीं थी क्रिकेट में कुछ सालों पहले, वो लगातार जो है मैचेस हार रहे थे, बाद में फिर उनकी टीम अच्छी हुई, उन्होंने मैचेस जीते भी हैं ऐसा नहीं है, मगर शुरू शुरू में जैसे जिम्बाब्वे की स्थिति हुआ करती थी, बांग्लादेश जब इनिशियली जब क्रिकेट में आया था तो लगातार मैचेस पर मैचेस हारता चला जा रहा था, उस तरीके की स्थिति जो थी अपने को इंडिया की जूडो में देखने के लिए मिलती थी। खैर 1986 में ये जो स्थिति थी इसमें बदलाव आया, 1986 में एशियन गेम्स हुए सियोल में और वहां पर जूडो को जो है इंक्लूड किया गया था एक गेम के तौर पर, और यहां पर इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए थे, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि सियोल एशियन गेम्स जो थे वो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग थे,
वो एक हमको एक जो मच नीडेड ब्रेक चाहिए था, जिस तरीके का ब्रेक आपको इंडिया को मिला था क्रिकेट में 1983 का वर्ल्ड कप जीत के, जिसके चलते फिर क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस हुआ, लगभग कुछ उसी तरीके के एक ब्रेक की जरूरत थी, छोटा बड़ा कैसा भी एक ब्रेक मिले। और उस तरीके का ब्रेक जो है हमको यहाँ पर सियोल एशियन गेम्स में देखने के लिए मिला, जब हम लोगों ने 4 ब्रॉन्ज के मेडल जीते थे। अब ये जो है इंडिया के टीम के लिए या इंडियन टीम के लिए एक माइलस्टोन हुआ करता था, और उसके बाद से जो है इंडिया कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल जूडो इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेजेंस वगैरह दर्ज करा रहे हैं, और वो वक्त भी दूर नहीं है कि जल्दी हम लोग इसमें ओलंपिक्स वगैरह में भी मेडल्स वगैरह लेकर आएंगे। आज की तारीख में कई सारे आपके जो इंडियन जूडोकाज हैं, जूडोका का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जूडो में पार्टिसिपेट करता है या फिर जूडो में कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के तौर पर एक प्लेयर के तौर पर उतरता है या फिर जूडो का एक्सपर्ट होता है, उसके लिए जापानी भाषा का शब्द है जिसको बोला जाता है जूडोका। तो हमारे कई सारे आपके जो इंडियन जूडोका हैं, जूडोका का मतलब क्या, जो जूडो खेलते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो हमारे जो जूडोकाज वगैरह हैं इनमें से कई सारों ने ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई किया है। हालांकि अभी तक यहां से मेडल नहीं आया, मगर उम्मीद है कि हाँ जल्दी हम लोग इसमें भी जो है मेडल वगैरह लेकर आएंगे। अब कई सारे आपके जो जूडोकाज वगैरह थे इनमें से कई लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म किया, ओलंपिक्स वगैरह तक में पार्टिसिपेट कर आए, इसके चलते इनमें से कई सारों को जो है आपका अर्जुन अवार्ड्स भी दिए गए थे इनकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। 2010 में जो जूडो का वर्ल्ड कप हुआ था ताशकंत में, वहां पर आपका थोदम कल्पना देवी मणिपुर की हैं, ये पहली इंडियन बनी थी जिनको वहां पे जो टॉप 3 पोजीशन थी वर्ल्ड कप में उसमें शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जूडो में पार्टिसिपेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी परिस्थिति आज की तारीख में काफी ठीक है। वक्त के साथ में हमारे यहाँ और ज्यादा पार्टिसिपेंट जूडो में जुड़ते चले जा रहे हैं, एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी वो टाइम भी आएगा कि हम लोग अल्टीमेटली जूडो में ओलंपिक्स वगैरह में भी मेडल लेकर आएंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जूडो में कुछ बेसिक टेक्निक्स या कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं आप, और इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहां पे बातचीत करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो अपना बेसिक टेक्निक्स है। तो जूडो में जो आपकी बेसिक टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं उनके नाम हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो नाम और उनका जो इंग्लिश में क्या मतलब होता है सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे, और उसके बाद में फिर जूडो के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो अ फ्यू बेसिक टेक्निक्स ऑफ जूडो गिवन बिलो विद द ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी एंड देयर इंग्लिश वर्जन, तो यहां पर हमको इंग्लिश में जो वर्जन दिया गया है वो, और साथ ही साथ जो बेसिक आपकी ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी है जो जूडो में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं वो बताए गए। तो जूडो में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स और का मतलब, सबसे पहले आपका ताचीवाजा, ताचीवाजा का मतलब होता है स्टैंडिंग टेक्निक, यानी कि खड़े होकर जो आप टेक्निक्स वगैरह लगाते हैं अपने दोनों पैरों पर जिस वक्त आप हैं, दोनों फीट आपके ग्राउंड पर हैं, और तब जूडो का कोई दाव अगर आप लगा रहे हैं, कोई मूव अगर आप खेल रहे हैं, तो उसको ताचीवाजा बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा होती है आपकी कोशीवाजा जिसको हिप टेक्निक्स बोला जाता है, तीसरा होता है आशीवाजा जिसको लेग टेक्निक्स बोला जाता है, पैर की मदद से अगर आप अपोनेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं या अपोनेंट को गिराकर उस पर जूडो का कोई दाव लगाना चाह रहे हैं तो वो आपका आशीवाजा कहलाता है। फिर अगला है तेवाजा, तेवाजा में हैंड टेक्निक है कि हाथों की मदद से जो है ओपोनेंट के ऊपर अगर आप पिन करने की या किसी तरीके से कोई दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तेवाजा है। फिर अगला है ओसाई कोमीवाजा, ये ग्राउंड टेक्निक से कि आपने एक बार अगर किसी को पटक दिया ग्राउंड पर तो उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, उसको जो है आप ओसाई कोमीवाजा बोलते हैं। फिर अगला आता है केनसेत्सुवाजा, इसको बोलते हैं आर्म लॉक टेक्निक, यानी कि एक बार आपने या तो किसी व्यक्ति को गिरा दिया या फिर खड़े खड़े में भी अगर आपने उसको अपने हाथों की मदद से लॉक कर दिया है और आप उसके मूवमेंट को अब एकदम आपने शिथिल कर दिया तो उसको फिर हम लोग केनसेत्सुवाजा बोलते हैं। और अगला है शिमेवाजा, इसका मतलब है चोक करना, किसी को एकदम उसकी गर्दन वगैरह से पकड़कर एकदम पिन करके गिरा देना और उसको हिलने ना देना, उसको चोक करना बोलते हैं। लिटरली चोक करने का मतलब सांस रोकना होता है, मगर सांस ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर नहीं रोकी जाती, मगर इस तरह से कि उसकी गर्दन वगैरह के आसपास से आपने उसको पकड़ के रखा है ताकि वो कुछ कर ना पाए, इसको चोक करना बोलते हैं। इनमें से अब कुछ टेक्निक्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जैसे ये पटक रहा है इसको, तो इसने इसको जब इसके इस तरह से हाथ से उठाया है, जब देखिए शुरुआत में यहां पर जब ये हाथ से इसको पकड़ रहा है तब ये क्या कर रहा है, तब ये अपना तेवाजा लगा रहा है। तेवाजा लगाने के बाद में इसने जो है इस बंदे को यहाँ पे आपका पटक दिया, या फिर आपने इसको क्या किया है, आपने इसको जो है कुल मिलाकर
ताची वाजा की मदद से, पहले आपने हाथों की मदद से यानी कि हैंड टेक्निक की मदद से उसको उठाया, उठाते वक्त क्योंकि आप अपने दोनों पैरों पर खड़े हो इसलिए आप ताची वाजा का भी इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके बाद में आपने इसको जो है उसी कोमी वाजा की मदद से ग्राउंड पे उठा गिरा दिया है, और उसके बाद में फिर जो भी आपने उसके साथ में किया, तो कई सारी टेक्निक्स वगैरह आपको यहाँ पर जो है लगती हुई इसमें समझ में आ रही है। कुल मिलाकर ये टेक्निक सब कैसे क्या लगाई जाती है वो हमारे काम का या कंसर्न की बात नहीं है, पॉइंट यह है कि इस तरीके की अलग अलग आपकी टेक्निक्स वगैरह होती हैं, 7 टेक्निक्स वगैरह कम से कम इस्तेमाल जूडो में की जाती हैं जिसकी मदद से अलग अलग दाव लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं जूडो के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल तो यह है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन अगर जूडो के होंगे, चाहे ओलंपिक का मैच हो रहा हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही हो, चाहे जूडो का कोई और जो है इंटरनेशनल लेवल का इवेंट वगैरह हो रहा हो, इसमें हर एक जो मैच है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है जी, हर एक मैच जो है जूडो का वो 4 मिनट का होता है, और इसमें आप कितने पॉइंट स्कोर करेंगे या फिर आपकी कितनी पेनल्टीज हुई हैं ये डिसाइड की जाती है या फिर ये अवार्ड की जाती है मैच रेफरी के द्वारा, और इसको इसमें असिस्ट करते हैं जूडो का जो मैच आपका चल रहा है उसको देखने वाले जज। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जूडो का मैच अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है 4 मिनट का होता है, और इसमें आपने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं, आपको कितनी पेनल्टीज मिली है, कौन डिसाइड करता है, या तो आपका रेफरी जो है अपने आप डिसाइड करता है या फिर वो जजेस वगैरह की मदद से जो है डिसाइड करता है कितने पॉइंट्स हैं कितनी पेनल्टीज हैं। अब अपना ये जो जूडो का मैच चलता है 4 मिनट का, जो हमने अभी देखा कि इंटरनेशनल मैच आपका जूडो का चलेगा, इसमें जो दोनों प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर जूडो में जब आप एक प्लेयर मैच में पार्टिसिपेट करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको एक इपॉन स्कोर करना है। इपॉन का मतलब क्या होता है, विनिंग पॉइंट, यानी कि अगर आपने एक बार इपॉन स्कोर कर लिया तो मैच जो है आपका इमीडिएटली खत्म हो जाएगा और आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप जूडो खेलने के लिए उतरे, 4 मिनट का आपका मैच है, अब आप मैच में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेके उतरते हो ना, जैसे क्रिकेट में आप पता है बैटिंग करने उतरोगे तो फिर रन बनाने हैं, बॉलिंग करने उतरोगे तो फिर विकेट लेने हैं, तो उसी तरीके से जब आप जूडो में 4 मिनट का अपना मैच खेलने के लिए उतरे हैं, इसमें हर एक प्लेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने एक इपॉन स्कोर करना है। इपॉन का मतलब क्या होता है, इपॉन का मतलब होता है आपका विनिंग पॉइंट, और ये कब स्कोर करना है, जब आपका टाइम जो है ये खत्म हो जाए उसके पहले पहले, 4 मिनट का आपका जो मैच है खत्म हो उसके पहले पहले आपने एक इपॉन स्कोर करना है। एक बार अगर किसी व्यक्ति ने एक इपॉन स्कोर कर लिया, या फिर अगर सपोज कर लीजिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलती कर दी कि उसको एक सीवियर पेनल्टी दे दी गई, और इस पेनल्टी का नाम है हंसुको माके। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एक बार या तो किसी प्लेयर ने इपॉन स्कोर कर लिया तो विनिंग पॉइंट मिल गया तो इमीडिएटली आपका मैच खत्म हो जाएगा और बंदे को जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर अगर उसने कोई ऐसा रूल ब्रेक कर दिया जिसके चलते उसको एक सीवियर पेनल्टी दे दी गई और इस सीवियर पेनल्टी का नाम है हंसुको माके, तो उस कंडीशन में भी जो है मैच आपका इमीडिएटली खत्म हो जाएगा और जिसको ये पेनल्टी दी गई है ऑब्वियसली बात है उसका जो अपोनेंट है वो आपका विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब यह कि अगर मैं जूडो का मैच खेलने के लिए उतरा हूं, मैंने या तो अगर आपका एक इपॉन स्कोर कर दिया यानी कि विनिंग पॉइंट स्कोर कर दिया तो आपका साइमल्टेनियसली जो है मैच खत्म हो जाएगा और मुझे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर अगर मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई जिसके चलते मुझे हंसुको माके दे दिया गया, हंसुको माके का मतलब क्या होता है, जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है सीवियर पेनल्टी हो गई, तो अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, ऐसा कुछ मैंने नियम तोड़ दिया जिसके चलते मुझे हंसुको माके दे दिया गया, सीवियर पेनल्टी दे दी गई, उस कंडीशन में आपका मैच जो है तो भी जो है आपका मैच इमीडिएटली खत्म हो जाएगा और मेरा जो अपोनेंट है वो जीत जाएगा, अदरवाइज द विनर ऑफ द मैच इज डिटरमाइंड बाय द स्कोर पॉइंट। अब सपोज कर लें कि 4 मिनट का आपका मैच चलता रहा, ना तो किसी ने एक पॉइंट स्कोर किया, ना किसी को हंसुको माके दिया गया, ऐसी परिस्थिति में जब 4 मिनट आपका मैच खत्म होता है उसके बाद में विनर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि आपने कितने जो है पॉइंट्स वगैरह स्कोर किए थे। हंसुको माके जो है वो आपका विनिंग पॉइंट है, मगर इसके अलावा आपने दाव वगैरह जो लगाए थे उसके बेसिस पर भी आपने उसके या कितने अगर आपके कोई दाव लगाया जा रहा था तो आपने उसको काटा था किस तरीके से, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, इसके बेसिस पर जो है आपका पॉइंट्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो 4 मिनट में किसने कितने पॉइंट स्कोर किए थे, अगर इपॉन स्कोर कर दिया तब तो अलग बात है, मगर अगर 4 मिनट में इपॉन स्कोर नहीं हुआ, 4 मिनट खत्म होगा तो फिर जितने भी पॉइंट जिसको मिले होंगे उसके बेसिस पर जो है आपका विनर वगैरह डिसाइड किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो दोनों आपके प्लेयर्स हैं उन्होंने जो पॉइंट स्कोर किए थे वो भी इक्वल है, अगर दोनों प्लेयर्स ने जितने पॉइंट स्कोर किए थे वो भी इक्वल है, ऐसी कंडीशन में विनर को जो है फिर डिक्लेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ पेनल्टी पॉइंट्स नोन एज शिदो मींस माइनर पेनल्टीज। यानी कि अगर अब ये देख लिया कि दोनों के पॉइंट्स भी बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर ये देखा जाएगा कि दोनों में से सबसे
कम नंबर ऑफ पेनल्टीज किसको मिली है। एक पेनल्टी जिसकी अपन ने बात करी उसका नाम है हंसुको माके। हंसुको माके का मतलब होता है सीवियर पेनल्टी। अगर एक बार आपको हंसुको माके मिल गई तब तो खेल खत्म है। इसके अलावा अगर जो दूसरी आपको पेनल्टीज वगैरह दी जाती है उनको आप सीवियर पेनल्टी में नहीं काउंट करते, उसको आप बोलते हो माइनर पेनल्टी। तो ये माइनर पेनल्टीज के बेसिस पर आपका मैच खत्म नहीं होता है। तो फिर आप ये देखते हैं पॉइंट्स वगैरह इक्वल होने की कंडीशन में कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज किसकी हैं, और जिसको मिनिमम नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज होती हैं उसको हम लोग जो है विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहां तक अपने को क्या बात समझ में आई है? और ये जो आपकी माइनर पेनल्टीज वगैरह होती हैं इसके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। इफ द पॉइंट्स आर इक्वल देन द विनर इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ पेनल्टीज नोन एज शिदो, मींस माइनर पेनल्टीज। तो शिदो आपके सबसे कम किसके हैं वो जो है आपका विनर डिक्लेयर किया जाता है। यहां से अपन ने क्या क्या बातें सीखी हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल इवेंट में जो भी आपका मैच होता है जूडो का वो 4 मिनट का होता है। पहली बात, 4 मिनट में जो भी आपका प्लेयर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपको एक इपॉन स्कोर करना है। इपॉन का मतलब क्या होता है? एक विनिंग पॉइंट। अब अगर किसी व्यक्ति को 4 मिनट का आपका जो ये मैच खत्म होने के पहले पहले उसने इपॉन स्कोर कर दिया तो उस कंडीशन में वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। या फिर अगर उसको एक सीवियर पेनल्टी दे दी गई किसी रूल को तोड़ने के चलते जिसका नाम होता है हंसुको माके, तब भी जो है उसको तब भी जो है मैच आपका खत्म हो जाता है। अगर किसी प्लेयर को हंसुको माके या फिर सीवियर पेनल्टी दे दी गई ऐसी परिस्थिति में आपका मैच जो है इमीडिएटली खत्म होगा, और जिसको दी गई है हंसुको माके या सीवियर पेनल्टी उसका जो ओपोनेंट है वो विनर आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बात सपोज कर लीजिए कि आपका 4 मिनट का मैच खत्म हो गया, ना तो किसी ने आपका इपॉन स्कोर किया है और ना किसी को हंसुको माके दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में फिर अब क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में फिर ये देखा जाता है कि भाई किसको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो मिले हैं, किसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर किए हैं। अब कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है? यहां पर उन पॉइंट्स की बात हो रही है जो एक दूसरे पे दाव लगाने के लिए दाव काटने के लिए दिए जा रहे थे। अब मान लेते हैं अब उनके बेसिस पर फिर जिसके भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो आपका विनर डिक्लेयर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि दोनों जो आपके प्लेयर्स हैं इनके पॉइंट्स भी बराबर हैं, दोनों ने जो भी दाव वाव मारे थे और जो भी दाव काटे थे उसके चलते दोनों को बराबर पॉइंट्स मिले हुए हैं। अब अगर दोनों के पॉइंट्स भी बराबर हैं ऐसी परिस्थिति में विनर जो है वो इस बात पर डिक्लेयर किया जाता है कि सबसे कम नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज किसने करी हैं। एक आपकी मेजर पेनल्टी है जिसका नाम है हंसुको माके, अगर ये मिल गई तब तो मैच खत्म है। मगर इसके अलावा आपकी कुछ ये आपकी सीवियर पेनल्टी कही जाती है, इसके अलावा आपकी कुछ माइनर पेनल्टीज भी होती हैं। माइनर पेनल्टीज की कहानी यह है कि उसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते मगर उसके बेसिस पे आपकी पेनल्टी पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने सबसे कम नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज की होंगी इनको बोला जाता है शिदो, यानी कि जिसके शिदो सबसे ज्यादा कम होंगे या सबसे कम माइनर पेनल्टीज होंगी उसको जो है हम लोग विनर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये जो है आपके कुछ तरीके वगैरह होते हैं जिसकी मदद से जूडो वगैरह खेला जाता है। जुडोका आर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय एनी ऑफ द आउटलॉ टेक्निक्स अटैकिंग जॉइंट्स अदर देन द एल्बोस, पंचिंग और किकिंग, टचिंग द अपोनेंट फेस और इंटेंशनली इंजूरिंग द अपोनेंट इन एनी वे। अब जुडोकास जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इनको आप जो सीवियर पेनल्टी देते हो हंसुको माके, ये आखिर दी क्यों जाती है या किस कंडीशन के कारण दी जाती है? तो हंसुको माके देने के पीछे की वजह है अगर जुडोका ने कोई इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जो अलाउड नहीं है, जिसको आउटलॉ कर दिया गया, या फिर कोई ऐसा काम किया जो पहले से लिखा हुआ है कि आपने ये काम नहीं करना है, ऐसी परिस्थिति में जो है आपको हंसुको माके दिया जाता है, या फिर यूं बोलूं कि आपको ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं है, करी तो फिर आपको सीवियर पेनल्टी लगेगी। क्या क्या है? सबसे पहला तो यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति के जॉइंट्स पर हमला नहीं करना, एल्बो के अलावा किसी दूसरे जॉइंट पर आप हमला नहीं कर सकते कोई भी अटैकिंग टेक्निक इस्तेमाल कर। ये नहीं है कि आप उसका जॉइंट तोड़ दोगे, ये सिर्फ आपकी एल्बो के अलावा आप जो है उसकी थाइस के जॉइंट पर, आप उसकी नीज के जॉइंट पर अटैक नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, आप उसको पंच नहीं मार सकते, मुक्का मार दिया या फिर आपने उसको लात वात मार दी, किक नहीं कर सकते, आप उसके फेस को जो है टच नहीं कर सकते या फिर इंटेंशनली इसके अलावा किसी और तरीके से आप उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज करी या फिर आप ऐसी कोई भी चीज करते हुए पाए गए तो फिर ऐसी परिस्थिति में जुडोका जो है उसको हंसुको माके दिया जाता है और या फिर सीवियर पेनल्टी दी जाती है और उसी के साथ में आपका जो मैच है वो खत्म हो जाता है और उसका जो अपोनेंट होता है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। 4 मिनट का मैच, आपने इपॉन स्कोर करना है, इपॉन स्कोर किया तो मैच खत्म हो जाएगा और आप विनर डिक्लेयर हो जाओगे, और अगर आपको हंसुको माके मिल गया है तब भी मैच खत्म हो जाएगा और आपका अपोनेंट डिक्लेयर हो जाएगा विनर। अब सपोज कर लीजिए 4 मिनट का मैच खत्म हो गया, ना आपने इपॉन स्कोर किया ना हंसुको माके आपको लगा, ऐसी परिस्थिति में ये देखेंगे कि किसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं दाव काटने के या दाव खेलने के, उसके बेसिस पर विनर डिक्लेयर कर देंगे। सपोज कर लो कि उसके बेसिस पर भी जो है आप पता चलता है कि दोनों के आपके पॉइंट्स बराबर हैं, तब यह देखा जाएगा कि शिदो सबसे कम किसके हैं। शिदो का मतलब क्या? माइनर पेनल्टीज। और उसके बेसिस पर जो है फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा जो है जीता है। तो ये जो है कुछ चीजें जिनका
का ध्यान रखना है और ये सारी कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना है। एल्बोस के अलावा किसी और जॉइंट पे हमला नहीं कर सकते, चेहरा नहीं पकड़ सकते, इंटेंशनली हार्म नहीं कर सकते, पंच नहीं कर सकते और किक नहीं कर सकते। चलें आगे बढ़ते हैं। इन अ जूडो बाउट जूडोका कैन अचीव टू टाइप्स ऑफ स्कोर्स। अब जूडो बाउट जब होता है या फिर आपकी जब जूडो का मैच होता है, बाउट का मतलब होता है कम वक्त के लिए अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो तो उसको बाउट बोला जाता है। तो एक जूडो का जैसे अब क्योंकि 4 मिनट का मैच हो रहा है तो फिर इसको जूडो का बाउट भी बोला जाता है कई बार। तो एक जूडो का जो बाउट होता है इसमें जो आपका प्लेयर है जूडो का, ये दो तरीके से आपका स्कोर करता है या फिर दो तरीके के पॉइंट्स ये स्कोर कर सकता है। पहला आपका विनिंग पॉइंट है जिसका नाम है इपॉन, और इसके अलावा और भी पॉइंट स्कोर करता है जिसके बारे में भी हमने बात करी थी कि अगर इपॉन स्कोर नहीं हुआ तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं इस बेसिस पर कि भैया किसको जो है सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको बोला जाता है वाजा आरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, वाजा आरी। तो आपका जो जुडोका है जुडो के मैच में दो तरीके से पॉइंट स्कोर करता है, एक तो विनिंग पॉइंट है जिसको इपॉन बोला जाता है, और विनिंग पॉइंट के अलावा जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वाजा आरी, जापानी शब्द है। इपॉन इज द बेस्ट as it results in immediate victory, ipon can be achieved by throwing an opponent in such a way as to make them land on the back. to ipon jo hai wo aapka best point mana jata hai, aur jaise hi aapne score kiya aap immediately winner declare kar diye jate ho. ab sawal ye uthta hai ki aap ipon score kaise karte ho, kaise jo hai aap ye mana jayega ki aapne ipon score kiya. to uska jawab ye hai ki agar aapne apne opponent ko is tarike se utha ke patka hai ki wo apne पीठ के बल जो है आपका मैट के ऊपर गिरेगा, ऐसी परिस्थिति में यह बोला जाता है कि आपने इपॉन अचीव किया है। ठीक है जी, अगर आपने कोई जूडो का ऐसा दाव लगाया जिसके चलते आपने अपने अपोनेंट को पीठ के बल जो है पटका है तो फिर हम लोग ये बोलते हैं, या फिर उसको इस तरह से पटका है कि वो अपने पीठ के बल लैंड हुआ है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इपॉन लगाया है। देखिए इसको, अब यहां पर इसने जो भी ये दाव लगाया इसके चलते इसने अपने अपोनेंट को पीठ के बल जो है गिरा दिया है। एक बार आपका अपोनेंट पीठ के बल गिरता है आपके मैट पर तो उसके बाद में यह बोला जाता है कि आपने इपॉन स्कोर कर दिया है। ठीक है जी, अब इपॉन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय ट्रैपिंग एन अपोनेंट इन इन एन आर्म होल्ड और स्ट्रैंगल होल्ड टू द एक्सटेंट दैट इट फोर्सेस द अपोनेंट टू सरेंडर और इम्बोलाइजिंग एन अपोनेंट ऑन द फ्लोर फॉर एटलीस्ट 20 seconds. एक तो यह तरीका हो गया कि आपने बैक के बल पटक दिया इपॉन तो आपको इपॉन मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने अपोनेंट को ट्रैप कर लो अपने हाथों के बीच में, अपने हाथों से उसको जकड़ लो या फिर इस तरीके से जो है उसको कैद कर लो कि वो अपना वो या तो खुद जो है सरेंडर कर दे हार मान ले कि मेरे से नहीं हो रहा, या फिर वो अपने हाथ पैर चला नहीं पाए। आप उसको इस तरीके से अपने दांव में पकड़ लो कि वो अपने हाथ पैर जो है बिल्कुल हिला नहीं पाए। ध्यान से आपने कभी नोटिस किया होगा जूडो के मैच में कि कई बार वो आपके प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे को इस तरह से जकड़ लेते हैं कि वो एक दूसरे को अपना हाथ पैरों का मूवमेंट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो बेसिकली उस वक्त कर क्या रहे होते हैं, वो एक दूसरे को इम्बोलाइज करने की कोशिश, यानी कि एक दूसरे के आपके हाथ पैरों के मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने इम्बोलाइज कर दिया अपोनेंट को कम से कम 20 सेकंड के लिए, या तो सरेंडर करने में मजबूर कर दिया या फिर कम से कम 20 सेकंड के लिए उसके शरीर की एक्टिविटीज को रोककर आपने एकदम उसको पिन करके चोक करके पकड़ के रखा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग ये बोलेंगे कि आपने के पॉन स्कोर किया है और इस परिस्थिति में भी जो है आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि इपॉन जो है स्कोर करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको पीठ के बल पटक दो ऐसा दाव लगाओ, या फिर अपने हाथों की मदद से उसको चोक करके रखना है जब तक वो या तो खुद सरेंडर नहीं कर देता या फिर उसको इमोबिलाइज कर दिया जाए कम से कम 20 सेकंड के लिए, तब जो है हम लोग ये बोलेंगे कि आपने इपॉन लगा दिया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलें अगला देखते हैं। दूसरा जो आपका स्कोर होता है इपॉन के बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट स्कोर माना जाता है वो है वाजा आरी। अच्छा एक बात और, इपॉन स्कोर करते ही मैच खत्म हो जाएगा, वाजा आरी में मैच आपका खत्म नहीं होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपका जो बेस्ट स्कोर माना जाता है वो माना जाता है वाजा आरी, और ये अवार्ड किया जाता है फॉर लेसर थ्रो देन दोस रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग इपॉन एंड दस फॉर इमोलाइजिंग द अपोनेंट फॉर लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू स्कोर इपॉन दैट इज 10 seconds. मतलब ये कि अगर आपने किसी सामने वाले को इस तरह से पटका है कि वो अपने पीठ के अलावा किसी और हिस्से पे गिरा है तब जो है हम लोग उसको वाजा आरी मान सकते हैं, या फिर यूं बोलूं कि जो भी चीजें आपने करी हैं उस या फिर जो भी आपने एफर्ट या फिर दाव चला है अगर वो इतना तो है कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिया जाना चाहिए मगर इतना भी नहीं है कि इपॉन दिया जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में ये बोला जाता है कि आपने वाजा आरी लगाया है। मतलब ये कि या तो आपने अपोनेंट को ऐसे पटका है कि वो अपनी पीठ के अलावा किसी और हिस्से के बल गिरा है, दूसरा आपने उसको चोक किया है या फिर पिन किया है या फिर आपने उसको इमोबिलाइज किया है कम से कम 10 सेकंड के लिए, तो
तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि यार यहाँ पे इपॉन तो नहीं लगा मगर वाजा आरी जो है लगा हुआ है। तो याद रखिएगा इपॉन के बाद में जूडो में जो नेक्स्ट बेस्ट स्कोर होता है वो वाजा आरी है और इट इज अवॉर्डेड फॉर लेसर थ्रो देन दोस रिक्वायर्ड टू स्कोर इन अपॉन, यानी कि आपने अगर ऐसा थ्रो किया है जिसके चलते आपको इपॉन नहीं दिया जा सकता ऐसी कंडीशन में आपको वाजा आरी जो है दिया जाता है। अगला या फिर 10 सेकंड के लिए अगर आपने जो है चोक करके रखा हुआ है ट्रैप करके रखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग आपको ऐसी कंडीशन में भी जो है आपको वाजा आरी दिया जाता है। अब पेनल्टीज की बात की जाए तो पेनल्टीज जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं शिदो और दूसरी होती हैं हंसोकू माके। हंसोकू माके अपन ने देख लिया कि सीवियर पेनल्टी होती है और शिदो जो होती है वो आपकी माइनर पेनल्टी होती है। अब हंसोकू माके कब दी जाती है और शिदो कब दी जाती है उसके बारे में थोड़ा बात करनी है। अवॉर्डिंग हंसोकू माके टू अ जुडोको ऑटोमेटिकली गिव्स द मैच टू द अपोनेंट। हंसोका माके इज गिवन फॉर द मेजर रूल ब्रीचेस और फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ थ्री शिदोस, द थर्ड शिदो बिकम्स हंसोको माके डिस्क्वालीफाइड। तो हंसोको माके कब दी जाती है, पहली चीज तो ये कि अगर आपको हंसोको माके दे दी गई तो मैच ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और जिसको हंसोको माके दी गई है उसका अपोनेंट जो है विनर आपका डिक्लेयर हो जाएगा। हंसोको माके दी जाती है जब आप मेजर रूल तोड़ते हो, या तो आपने कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जो अलाउड नहीं है या फिर आउटलाउड है, या फिर आपने चेहरे पे हाथ मार दिया, उसके पंच मार दिया, उसे उसके एल्बो के अलावा किसी और जॉइंट पर आपने हमला कर दिया, इन सारी परिस्थितियों में जो है आपको हंसोको माके दिया जाता है। या फिर यह हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हो जिसके चलते आपको माइनर पेनल्टी दी गई हो जिसका नाम होता है शिदो, मगर आपको अगर तीन शिदो मिल जाते हैं तो तीसरा शिदो मिलते ही यह माना जाता है कि आपको हंसोको माके मिल गया। मतलब यह कि अगर आपने तीन माइनर पेनल्टी स्कोर कर दी एक के बाद एक तो तीसरी माइनर पेनल्टी होते ही यह माना जाएगा कि आपका हंसोको माके लग गया है, आपकी सीवियर पेनल्टी हो जाएगी। तो या तो आपने कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ कर दी हो जो एकदम ही आपका अनएक्सेप्टेबल है तब हंसोको माके मिलता है, या फिर आपसे छोटी मोटी गड़बड़ हुई हो जिसके चलते आपको माइनर पेनल्टी मिली हो जिसका नाम है शिदो। अगर आपको एक शिदो मिल गया, दो शिदो मिल गया और तीन शिदो मिल गया, तीसरा शिदो अगर आपको जैसे ही मिलता है वैसे ही यह माना जाता है कि आप तीसरा शिदो आपका हंसोको माके है और उसके बाद में आप डिस्क्वालीफाइड है। तो दो तरीके हैं, या तो आप कोई सीवियर रूल ब्रीच कर दो या फिर आपके पास में माइनर पेनल्टी जिसका नाम शिदो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाए और आपको तीन माइनर पेनल्टीज अगर लग जाए तो उस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रेस एंड बेल्ट पे कि अब आपका जूडो में जो ड्रेस पहनी जाती है और जो बेल्ट पहना जाता है उसके अपने क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका जूडो का प्लेयर होता है जब वो मैच खेलने उतरता है तो वो कुछ इस तरीके की जो है ड्रेस वगैरह पहनता है, वाइट कलर का उसका कोट होता है, वाइट कलर की उसकी जो है आपकी पैंट होती है और उसके ऊपर वो इस तरीके से एक बेल्ट बांधता है, ठीक है जी। अब ये जो जूडो की ड्रेस होती है इसको जापानी में बोला जाता है जूडोगी, ठीक, याद रखिएगा इसका नाम। जूडो की ये जो ड्रेस है इसका जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जापानी भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं जूडोगी। और इसमें जो बेल्ट पहना जाता है आपने भी कई बार सुना होगा कि मैं ब्लैक बेल्ट हूं या फिर व्हाइट बेल्ट हूं, ये बेल्ट हूं, वो बेल्ट हूं। तो ये जो बेल्ट होता है, ये जो बेल्ट है जूडो में जो ये बांधा जा रहा है यहां पर, ये जो आपको देख रहा है यहां पर नॉट वगैरह लगाई हुई है इसमें, इसको बोला जाता है ओबी। ये दोनों नाम याद रखना है, ये अपना की जो जूडो की ड्रेस होती है उसको जूडोगी बोला जाता है और जो आपका नॉट होता है ये जो आप बेल्ट वगैरह बांधते हो ये जो नॉट के फॉर्म्स वगैरह में, इसको जो है ओबी बोला जाता है। अब अलग अलग कैटेगरी के प्लेयर्स की अलग अलग आपकी जो है आपकी ये ड्रेस बेल्ट वगैरह होते हैं और उस या फिर एक जो बेल्ट होता है वो अलग अलग कलर्स का होता है और उसकी मदद से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जो प्लेयर है वो किस कैटेगरी का है। जनरली ये आपकी जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं या तो ब्लैक या तो ये व्हाइट कलर की होती हैं या फिर ये ब्लू कलर की होती हैं, ये भी याद रखना है। एक अपोनेंट अगर व्हाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ है तो दूसरा वाला अपोनेंट आपका ब्लू कलर की ड्रेस पहनेगा। कोशिश ये की जाती है कि दोनों अपोनेंट्स आपका अलग अलग कलर की ड्रेस पहने, तो या तो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी जाती है या फिर आपकी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी जाती है। ड्रेस की बात कर रहा हूं, बेल्ट के अपने अलग अलग रंग होते हैं, इनकी मदद से फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा जो प्लेयर है वो किस स्टेज में है। यहां से क्वेश्चन बनता भी है इसलिए अपने को उसको याद रखना है। तो एक तरफ यहां पर टेबल में आपको रैंक दिया हुआ है और सीनियर और जूनियर लेवल पर बताया गया कि कौन सी जो है किस तरीके की बेल्ट पहनता है। अगर कोई बंदा एकदम बिगिनर हो तो उसको बोला जाता है सिक्स्थ क्यू। अगर कोई बंदा एकदम ही बिगिनर हो, उसने भी अभी जूडो शुरू किया है, तो उसको सिक्स्थ क्यू बोला जाता है और उसको लाइट ब्लू कलर की बेल्ट दी जाती है, चाहे वो सीनियर लेवल पर हो चाहे वो जूनियर लेवल पर हो, उसको लाइट ब्लू कलर की बेल्ट जो है वो दी जाती है। इसके बाद में वो आपका सिक्स्थ क्यू से आप जैसे जैसे वो थोड़ा प्रोग्रेस करना शुरू करेगा तो उसको फिर आप फिफ्थ क्यू पे मानना शुरू करोगे और फोर्थ क्यू पे मानना शुरू करोगे। तो अगर आप फिफ्थ क्यू या फिर फोर्थ क्यू की कैटेगरी में आ गए हो, ऐसी कंडीशन में आपको व्हाइट कलर का बेल्ट
दिया जाएगा, चाहे आप सीनियर लेवल पर हो चाहे आप जूनियर लेवल पर हो, दोनों कंडीशन में आपको व्हाइट कलर का बेल्ट जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद में और ज्यादा आप जब प्रोग्रेस करते चले जाते हो तो फिर आप जैसे वो वीडियो गेम में होता है कि आपका थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज इस तरीके से, यहां पर नीचे वाली स्टेज से ऊपर वाली स्टेज की तरफ में आप जा रहे हो, तो थर्ड क्यू पर आप जब आ जाते हो या सेकंड क्यू पर आप आ जाते हो या फिर जब आप फर्स्ट क्यू पर आ जाते हो, सीनियर लेवल पर आपको ब्राउन कलर का बेल्ट दिया जाता है और जूनियर लेवल पर आपको पर्पल कलर का बेल्ट दिया जाता है। यहां से जो है डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, यहां से जो है डिफरेंस वगैरह आना शुरू हो जाता है। जब आप थर्ड क्यू पर हो, सेकंड क्यू पर हो या फर्स्ट क्यू पर हो, तब आपका सीनियर लेवल पर आपको ब्राउन बेल्ट दिया जा रहा है और जूनियर लेवल पर आपको पर्पल बेल्ट दिया जा रहा है। यह याद रखने वाली बात है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में यहां पे ये जो आपका क्यू लेवल है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपका ये जो क्यू लेवल है ये खत्म हो जाता है, जहां पे ब्राउन बेल्ट आपको सीनियर लेवल पर और जूनियर लेवल पे पर्पल बेल्ट मिलता है। इसके बाद में आपका डैन लेवल शुरू होता है। डैन लेवल जो है इसमें जब आप फर्स्ट डैन पर, सेकंड डैन पर, थर्ड डैन पर, फोर्थ डैन पर और फिफ्थ डैन पर हैं, तब आपको ब्लैक बेल्ट मिलता है। यहां पर जूनियर कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है जी, यहां पर सिर्फ आपका सीनियर कैटेगरी होती है। इसके बाद सिक्स्थ डैन, सेवन्थ डैन और एट्थ डैन कि मैं जब आप आते हैं तब या तो आपको रेड और व्हाइट बेल्ट मिलता है या फिर ब्लैक बेल्ट आपको दिया जाता है। एंड इसके बाद में नाइन्थ डैन, टेंथ डैन और इलेवेंथ डैन तक जब आप आ जाते हैं तब या तो आपको रेड बेल्ट मिलता है या फिर आपको ब्लैक बेल्ट मिलता है, इनमें से कोई एक बेल्ट वगैरह जो है आपको दिया जाता है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है कि जूडो में अलग अलग जो आपके लेवल्स हैं स्पेसिफिकेशन के, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को किस चीज का पता होना चाहिए या डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट के कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखना है, इस पे सवाल वगैरह एक पूछा जरूर जाएगा। एकदम शुरुआत में हो तब आपको पर्पल कलर का बेल्ट मिलता है, उससे थोड़ा आप आगे बढ़े तो व्हाइट कलर का बेल्ट मिलता है और उसके थोड़ा आगे की स्टेजेस में गए तो ब्राउन कलर का बेल्ट मिलता है आपका सीनियर लेवल पर, और जूनियर लेवल पर आपको पर्पल कलर का बेल्ट मिलता है। बाकी आपको जो बाकी जो बेल्ट वगैरह का कलर है वो एग्जैक्टली वही रहता है। तो यहां पे 6th क्यू, 6th से लेके फर्स्ट क्यू तक जो है आपको इस तरीके से कैटेगराइजेशन देखने के लिए मिलता है। थर्ड क्यू के पहले तक, फोर्थ क्यू तक जो है आपका सीनियर और जूनियर लेवल पे बेल्ट कलर जो है वो सेम चलता है। थर्ड क्यू, सेकंड क्यू और फिफ्थ क्यू पे जाके चेंज होता है, सीनियर लेवल पे ब्राउन और आपका जूनियर लेवल पे पर्पल हो जाता है। इस क्यू वाले लेवल के बाद में जूनियर कैटेगरी नहीं होती, उसके बाद में फिर आपकी सीनियर कैटेगरी चलती है और सीनियर कैटेगरी में फिर आपका डैन स्टेज आ जाती है। पहले से लेके फिफ्थ डैन तक आपको ब्लैक बेल्ट है, सिक्स से लेके एट डैन तक आपको रेड एंड व्हाइट बेल्ट है या फिर ब्लैक बेल्ट है, नाइन टेंथ और इलेवन टेंथ में आपका या तो रेड बेल्ट मिलता है या फिर आपको ब्लैक बेल्ट मिलता है। तो ये जो है कुछ आपके कैटेगराइजेशन हैं जो अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब या तो जूडो करने वाले ने आपका व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होगी या फिर ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होगी, उससे आप नहीं पता लगा सकते कि उसका लेवल क्या है, बेल्ट कौन सा बांधा है, किस कलर का बांध रखा है, उससे आपको एक अंदाजा या फिर एक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि ये या तो क्यू के लेवल पर है, क्यू के लेवल पर नहीं है तो फिर ये डैन के लेवल पर है, और अगर क्यू के लेवल पर है तो कौन से वाले क्यू के लेवल पर है, और अगर डैन के लेवल पर है तो फिर कौन से वाले डैन के लेवल पर है। इतना अपने को जो है यहां से समझ में आता है। चले अब अगली चीज जो आती है उसका नाम है गोल्डन स्कोर। अब अपने को पता है कि चार मिनट का जूडो का मैच होता है, उसमें अगर आपने विनिंग पॉइंट स्कोर कर दिया, पॉन मिल गया तो ठीक है, या फिर आपकी सीवियर पेनल्टी लग गई तो उस केस में तो भी ठीक है, उस केस में आपका मैच खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं हुआ तो पॉइंट वगैरह गिन लो, पॉइंट के बेसिस पर जो है डिसाइड कर लो, पॉइंट के बेसिस पर भी नहीं हुआ तो पेनल्टी वगैरह गिन लो, उसके बेसिस पर डिसाइड कर लो। सपोज कर लीजिए कि सारी चीजें अगर बराबर हों और किसी भी तरीके से विनर वगैरह का जो है अंदाजा नहीं लग रहा है, सारे आपके पेनल्टी के पॉइंट्स और आपके बाकी सारे पॉइंट्स, बाकी सारी चीजें जो है सब बराबर हो गई हैं, आप किसी भी तरीके से आप विनर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो चार मिनट का मैच खत्म होने के बाद में, ऐसी परिस्थिति में फिर एक चीज होती है जिसको बोला जाता है गोल्डन स्कोर। इसमें आप करते यह है, अगर कोई दोनों व्यक्तियों ने बहुत हाथ पैर मारे चार मिनट, ना कोई या तो उनकी पेनल्टियां नहीं हुई या फिर आपका कुछ नहीं, या तो उनकी कोई पेनल्टी हुई नहीं तो वो भी स्कोर 0-0 है, और कोई पॉइंट भी स्कोर नहीं कर पाए तो भी वो स्कोर 0-0 है, या फिर सारी की सारी चीजें इक्वल हैं और ऐसी परिस्थिति में भी जो है आप कुछ नहीं कर सकते, तो या तो इक्वल स्कोर की कंडीशन है या फिर नो स्कोर या फिर जीरो स्कोर की कंडीशन है। ऐसी परिस्थिति में चार मिनट के बाद में मैच खत्म नहीं होता, उसके बाद में फिर मैच जो है कंटिन्यू रहता है और तब तक चलता है जब तक दोनों में से कोई एक जो बंदा है स्कोर नहीं कर लेता। ये जो स्कोर है इसको बोला जाता है गोल्डन स्कोर। सपोज कर लीजिए कि दोनों का स्कोर 0 है, तब तो मैच चलता रहेगा और जो भी बंदा पहले स्कोर करेगा उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट लेट्स से कि आपका मैच चलता रहा और दोनों बंदे जो हैं उन्होंने अपना जो भी स्कोर या पेनल्टीज वगैरह किए थे वो बराबर हो गए इस कंडीशन, और इसके बाद में आप गोल्डन स्कोर की तरफ गए हो, यानी कि चार मिनट का मैच खत्म होने के बाद में आपने टाइम एक्सटेंड किया है, इस परिस्थिति में जो आपने नॉर्मल टाइम में अपना आप जो भी पेनल्टी और स्कोर वगैरह किया था वो कंटिन्यू रहेगा, और इसके बाद में जैसे ही आपको अगला पॉइंट मिलेगा या जो भी
भी आपकी पेनल्टी वगैरह लगेगी, गोल्डन स्कोर का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके बेसिस पर फिर जो है डिसाइड किया जाएगा कि विनर कौन है। ध्यान रखना है इस बात को, 4 मिनट का मैच है, अगर कोई जीत गया तो अच्छी बात है, नहीं जीता तो उसके बाद में, या फिर अगर स्कोर बराबर है या फिर एकदम इवन है, ऐसी कंडीशन में फिर मैच जो है आगे एक्सटेंड करता है और इसको तब तक चलता है जब तक कोई बंदा गोल्डन स्कोर नहीं कर लेता। गोल्डन स्कोर की कहानी क्या है, दोनों ने अगर बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया, 0-0 पर है, तो जैसे ही किसी बंदे को पहला पॉइंट मिलेगा वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर वो नहीं तो फिर उस कंडीशन में आपका जो भी पहली पेनल्टी वगैरह लगेगी उसके बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि स्कोर 0-0 नहीं है, जो भी स्कोर है मगर बराबर है, ऐसी परिस्थिति में अगर गोल्डन स्कोर की तरफ आप गए या मैच एक्सटेंड कराया, तब जो भी पहली पेनल्टी आई या फिर जो भी पहला स्कोर हुआ उसको गोल्डन स्कोर माना जाएगा और उसके बेसिस पर जो है आप विनर या फिर लूजर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से जो है इस गेम में हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं। चलें आगे देखते हैं, अब हम लोग बातचीत करेंगे उस पूरे के पूरे एरिया की जिसमें जूडो के मैचेस वगैरह करवाए जाते हैं, या जूडो का जो आपके मैट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें कैसी क्या होती हैं, क्या डायमेंशन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक जो आपका ट्रेडिशनल जूडो का मैच होता है वो होता है आपका टाटामी मैट्स के ऊपर, ये याद रखिएगा। जो मैट्स वगैरह हैं जूडो के आपके बकायदा, जिन लोगों ने देखा होगा जूडो के प्लेयर्स वगैरह को, तो पहले वो गद्दे जैसा कुछ अपना जमा लेते हैं और उसके ऊपर जो है फिर वो मैच वगैरह करते हैं। तो ये जो मैट्स वगैरह होती हैं इनको बोला जाता है, या जो गद्दे जैसी जो आपको मैट्स दिखती हैं इनको टाटामी मैट्स बोला जाता है। जूडो के जो मैचेस वगैरह होते हैं वो टाटामी मैट्स के ऊपर किए जाते हैं, और हर एक जो मैट है उसका एरिया होता है 14x14 meters, ठीक है, या फिर 16x16 meters, या तो 14x14 का इस्तेमाल करते हैं या फिर 16x16 का जो है आप इस्तेमाल करते हो। इसमें भी अब टोटल एरिया जो है उसके ऊपर कॉम्बैट नहीं होता, यानी कि टोटल जो इसको आप जो भी जितनी भी मैट्स वगैरह आप लगा के बनाओगे उसके टोटल एरिया के ऊपर जो है मैच नहीं होता। इसमें भी 9x9 का जो एरिया, 81 meter square का जो एरिया है, या फिर आपका 100 meter square का जो एरिया है वो आप पहले से मार्क करके रखते हो और उसी के बीच में जो है आपको अपना मैच वगैरह करना है, उसी के बीच में जो है आपको अपना कॉम्बैट वगैरह करवानी है। जैसे ये देखिए, अब ये टोटल जो एरिया है 14 से 16 मीटर का हो सकता है, मगर ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है 8 से 10 मीटर का, इसी में जो है 8x8 या फिर 10x10 ये जो आपको एरिया दिख रहा है सिर्फ इसी के अंदर जो है मैच वगैरह करवाया जाता है, जबकि गद्दे जो है आपके मैट्स वगैरह जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये अपने को याद रखना है, टोटल मैट के ऊपर जो है पे आपका मैच नहीं होता, अब इसके सिर्फ इतने इतने जो है एरिया के ऊपर जो है इस मैच को करवाया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, तो पहली चीज जो अपने को ध्यान में रखनी वही है 14x14 या फिर 16x16 मीटर का आपके डायमेंशंस हैं, उसमें 9x9 या फिर 10x10 का आपका जो एरिया है आप निकाल देते हैं और उसके ऊपर जो है आपका मैच वगैरह करवाया जाता है। प्लेयर मस्ट वेयर द डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म विद एन अप्रोप्रिएट नॉटेड बेल्ट। अब प्लेयर जो है उनको अपनी जो भी यूनिफॉर्म बताई जाती है वो पहनना है। आपको अगर पहले से बताया गया है कि आपको ब्लू कलर की ड्रेस पहननी है तो ब्लू कलर की पहनकर आओगे, अगर आपको पहले से बताया गया है कि भैया आपने व्हाइट कलर की ड्रेस पहननी है तो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आओगे। अब जो भी लेवल पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और जो भी आपको ऑफिशियली बेल्ट अलॉट किया गया है वो बेल्ट वगैरह बांधकर आप आते हो, उससे क्लियर समझ में आता है कि कौन से लेवल का जो है मैच वगैरह आपका चल रहा है। द जूडो प्लेयर और एथलीट्स हु आर कॉल्ड जूडोका मस्ट बो बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द मैट एंड मस्ट बो टू ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर द कॉम्पिटिशन। तो पहली चीज जो होती है जूडो के मैच में एंटर करने के पहले मैट के ऊपर आप क्या करते हैं, झुकते हैं। जापानी किस तरह से झुकते हैं, इस तरह से जापानी झुककर अपना सम्मान दिखाते हैं। तो आपका जो मैट है उस पर उतरने के पहले आपको उसके सामने यूं झुकना है, उसके बाद जब आप प्लेयर के सामने जाओगे, जब प्लेयर आपके सामने आपका ओपोनेंट खड़ा हो गया तो मैच शुरू होने के पहले आपको उसके सामने यूं झुकना है, और उसके बाद में मैच जब खत्म हो जाएगा, जब विनर लूजर जो भी डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद में भी जो है आपने उसके सामने झुकना है और उसके बाद में आपने आना है। तो ये चीजें जो है की जाती है कि जूडो का प्लेयर जिसको जूडोका बोला जाता है वो अपने ओपोनेंट के सामने एक तो मैट पे एंटर करने के पहले, स्टेप करने के पहले वो झुकता है या वो करता है, और मैच शुरू होने के पहले और मैच खत्म होने के बाद में कॉम्पिटिशन के बाद में आपके जो प्लेयर्स हैं दोनों या फिर दोनों जो जूडोकाज हैं वो एक दूसरे के सामने बो डाउन करते हैं। अब कॉम्पिटिशन एरिया की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन एरिया इज अ मिनिमम ऑफ 14x14 meter square एंड इज डिवाइडेड इंटू 2 zones। तो आपका जो कंपटीशन का एरिया है 14x14 meter square का, इसके 2 zones होते हैं जिसमें मैच को करवाया जाता है। द इनर जोन कॉल्ड द कंटेस्ट एरिया इज मिनिमम 8x8 टू अ मैक्सिमम 10x10। यानी कि आपका जो इनर जोन है जो आप जिसमें आपका एक्चुअल में मैच होता है वो या तो 8x8 का होता है या फिर वो 10x10 meter का मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा एरिया नहीं रखा जाता। मिनिमम 8x8 meter का एरिया रखा जाता है और मैक्सिमम 10x10 meter का एरिया रखा जाता है आपकी मैट्स के ऊपर जिसमें
कंपटीशन वगैरह करवाया जाता है। ठीक है जी, इसके चारों तरफ अब 3-3 मीटर का एरिया छोड़ दिया जाता है सेफ्टी वगैरह को ध्यान में रखते हुए, या फिर ये जो आउटर जोन है इसमें 3-3 मीटर का एरिया आपने ऐसी खाली छोड़ दिया और उसको आप सेफ्टी जोन बोलते हो। द कंटेस्टिंग एरिया इज ऑफ डिफरेंट कलर टू द सेफ्टी एरिया। अब इस बात को डिफरेंशिएट करने के लिए कि कितना एरिया में आपको कंटेस्ट करना है और कितना एरिया सेफ्टी एरिया रखना है, इसके लिए दोनों का जो कलर है वो अलग अलग रखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया भी था। अब ये येलो कलर से अगर आपने पेंट कर दिया पूरा, तो इससे अपने को एक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि ये आपका कंटेस्टिंग एरिया है, इसके बाहर अपने को नहीं जाना। इसके बाहर जो ये नीले कलर से पुता हुआ है ये आपका सेफ एरिया है। अब अगर इसी को उल्टा कर दो कि आप इसको नीले कलर से पेंट कर दो और बाहर वाले को येलो कलर से पेंट कर दो, डजंट मैटर। पॉइंट इज कि आपको समझ में आ जाना चाहिए अलग से पेंट की मदद से कि आपका कंटेस्टिंग एरिया कितना है और आपका कॉम्पिटिटिंग एरिया, आपका सेफ्टी एरिया जो है वो कितना रखा गया है। तो वो चीज जो है यहां पर क्लियर कट अलग अलग रंग वगैरह की मदद से बताई जाती है। ठीक है जी, आउटडोर जोन आपने मिनिमम 3 मीटर वाइड बनाया है, सेफ्टी एरिया वगैरह आपने इसको बना दिया। व्हेन यूजिंग टू और मोर एडजॉइनिंग कॉम्पिटिशन एरियाज द कॉमन और शेयर्ड सेफ्टी एरिया इज 4 मीटर। अब सपोज कर लें कि आप एक ही वक्त पे कई सारे मैचेस करवा रहे हैं, एक जगह आपने मैट लगवा दिया उस पर एक मैच चल रहा है, उसके जस्ट साइड में आपने मैट वगैरह लगवा दिया दूसरा एरिया दूसरा मैच करवा रहे हो, जस्ट साइड में तीसरा लगवा दिया और तीसरे पे करवा रहे हो। अब इस तरीके से अगर एक ही वक्त में एक से ज्यादा जगहों पर आप मैच वगैरह करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में जो दो जगहों में मैच चल रहा है उसके बीच में सेफ्टी जोन कम से कम 4 मीटर का बना के रखना है। ये एक रूल है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। जैसे इसके बाद में आपने अगला एक और जो है इस तरीके से लगवा दिया और यहां पे भी मैच हो रहा है, तो कम से कम इन दोनों के बीच में ये 4 मीटर का सेफ्टी जोन होना चाहिए और उसके बाद उनका मैच वगैरह वो अपना करवाते रहे। ये एक रूल है, इसका हमको पालन करना पड़ेगा। ये रूल को हम लोग जो है उसको हम लोग लेकर चलते हैं। चले, अ फ्री जोन अ मिनिमम ऑफ 50 सेंटीमीटर मस्ट बी मेंटेन अराउंड एंटायर कॉम्पिटिशन एरिया। और एक ये भी चीज है कि आपका अब ये आपका जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसके बाद अगर आपको दूसरा मैट वगैरह लगवाना है कहीं पर, तो उन दोनों के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर का फ्री जोन आपने बना के रखा हो, यहां से 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद में आपने दूसरा ले लिया, इस पर अब आप करवाना चाहो करवाओ। इस तरीके से जो है आपको इसको मेंटेन रखना होता है। ये जो है आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। चलें, तो ये अब एक बार फिर से हम लोग पूरा देख लेते हैं मैट वगैरह का अरेंजमेंट कैसा होता है और क्या बाकी कहानी है। येलो कलर का जो एरिया है ये आपका कंपटीशन एरिया है या फिर कंटेस्टिंग एरिया है, या आपका ब्लू कलर का कॉम्पिटिटर है या फिर वो कॉम्पिटिटर जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, व्हाइट कॉम्पिटिटर है या फिर वो कॉम्पिटिटर जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, ये आपका रेफरी यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्कोर बोर्ड लगे हुए हैं, टाइमर लगा हुआ है और स्कोरर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जजेस का भी रोल अदा करते हैं और रेफरी इनके साथ में जो है डिसाइड करता है कि पॉइंट देना है या पेनल्टी देनी है, ये पॉन देना है या फिर आपका कोई माइनर पॉइंट देना है या फिर आपको शिजो देनी है या दूसरी आपकी जो है दूसरी वाली पेनल्टीज वगैरह देनी है। 8 से 10 मीटर या 8x8 मिनिमम और 10x10 मैक्सिमम इस एरिया में आप कंपटीशन करते हो। इसके चारों तरफ आपने 3-3 मीटर जो है विड्थ छोड़ रखी है, इसको सेफ्टी एरिया बोला जाता है। और इसके भी कम से कम 50-50 सेंटीमीटर इधर उधर आपने कुछ भी और दूसरा काम नहीं करवाना, इससे फिर आप इसके 50 सेंटीमीटर के बाहर जो है फिर आप दूसरा मैट लगा के एक ही वक्त पर दूसरा कॉम्पिटिशन वगैरह करवा सकते हो, बट उसमें भी फिर दोनों में 4 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर ये सारी की सारी प्रक्रिया वगैरह करवाई जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाटामीज। अभी हमने देखा कि टाटामीज की जो मैट्स होती हैं उसके ऊपर जूडो का कंपटीशन वगैरह करवाया जाता है। अब ये जो कंपटीशन का एरिया है जिसमें टाटामी मैट्स बिछाई जाती हैं, या ये बेसिकली होती क्या है, ये वो मैट्स हैं जो प्रेस्ड फोम की मदद से बनाई जाती हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर × 2 मीटर² के बराबर या फिर 1 × 1 मीटर² के बराबर जो है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा जाता है। मतलब ये कि अगर साइड से आप देखोगे तो ये आपकी मैट इस तरह से दिख रही है, अगर इसको यहां से देखा जाए तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर ये 1x2 है या फिर 1x1 मीटर² का है, ये अपने को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखना पड़ता है। और टाटामी मैट बनाई कैसे जाती है, प्रेस्ड फोम की मदद से जो है इनको बनाया जाता है, उस फोम वगैरह को भर के उसको बकायदा मैट को पूरा प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आता है अगला प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आपको टाटामीज के नीचे लगाना है। आप इसके ऊपर टाटामीज को बिछा के मैच करवाना चाहते हो या टाटामीज को डायरेक्टली आप ग्राउंड पे बिछाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो लगाना आपके पास में ऑप्शनल है। अगर आप इसको लगाओगे तो ये सॉलिड वुड का बनता है, एक बात याद रखना, हॉलो वुड का भी नहीं, मेटल का भी नहीं, ये सिर्फ लकड़ी का बनाया जाता है। सॉलिड वुड का जो है आपका प्लेटफॉर्म बनता है और अप्रोक्सीमेटली 18x18 मीटर² इसका टोटल एरिया होता है। अब अगर आपने प्लेटफॉर्म लगाया है, नहीं लगाया तब तो बात ही नहीं
नहीं है, ग्राउंड पे लगा के आप करवा रहे हो, आपका टाटा मी मैट आपने ग्राउंड पे बैठा दिया, बिछा दी और उसके ऊपर आप कॉम्पिटिशन करा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर लेट्स से अगर आपने वुडन बोर्ड पूरा लगाया उसके ऊपर आपने टाटा मीज बिछाई है, तो फिर ध्यान रखना है 18 मीटर × 18 मीटर का इसका टोटल एरिया हो सकता है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसके चारों तरफ कम से कम आपको 4 मीटर की विड्थ जो है सेफ कंपटीशन एरिया के आसपास सेफ्टी के नाम पर छोड़नी ही पड़ेगी, कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो किसी को फिर वुडन लॉक्स वगैरह ना लग जाए, इसलिए आपको कम से कम 4 मीटर विड्थ चारों तरफ छोड़नी पड़ेगी। अगला आता है जुडोगी, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। जो जुडोका है यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है जो आपका पार्टिसिपेट करेगा उसको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म या पहननी पड़ती है, जिसको बोला जाता है जी या फिर जुडोगी। जुडोगी जो है आपका जो पैर का एंकल होता है, आपका जो एड़ी वगैरह है उससे मैक्स टू मैक्स 5 सेंटीमीटर तक ऊपर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, और इसको प्रॉपरली आपको सही तरीके से पहनना होता है, इसका भी एक तरीका होता है, और उसके बाद में आपको बेल्ट वगैरह बांधना होता है जिसमें आप नॉट्स वगैरह लगाते हो, वो पूरा एक अपना तरीका होता है जो जुडोगीज वगैरह जुडोकाज वगैरह खेलते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको इसका सही अंदाजा होता है। अब आते हैं रेफरी और जजेस के ऊपर। कंटेस्ट अकर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रेफरी एंड टू जजेस, द रेफरी स्टैंड्स इनसाइड द कंटेस्ट एरिया एंड द टू जजेस सिट एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द कंटेस्ट एरिया डायगोनल टू ईच अदर। तो जो आपका रेफरी और जजेस की कहानी यह है कि आपका जो ये आपका जो मैच शुरू होता है, जो 4 मिनट का आपका जूडो का मैच चलेगा, ये 3 लोगों की निगरानी में करवाया जाता है। एक आपका रेफरी होता है जिसके सुपरविजन में मैच चलता है, और साथ में आपके 2 जजेस बैठते हैं। The referee inside the stands inside the contested area. Referee कहाँ पे खड़ा होगा? Contested area में खड़ा होगा जहाँ पे मैच चल रहा है। मतलब कि ये जो आपका येलो कलर का पोर्शन है जिसमें आपका मैच वगैरह चल रहा है, रेफरी जो है यहाँ पर आपका आके खड़ा होगा और उन दोनों आपके जो प्लेयर्स वगैरह हैं इनका मैच वगैरह करवाएगा। तो द रेफरी स्टैंड इनसाइड द कंटेस्टेड एरिया एंड द टू जजेस सिट एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द कंटेस्टेड एरिया, और आपके जो दोनों जजेस हैं वो आपके कंटेस्टेड एरिया के आउटर कॉर्नर पे बैठेंगे। मतलब कहाँ पे? ये यहाँ इस पर्टिकुलर ये जो आपके कॉर्नर्स वगैरह हैं यहाँ पर वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, मगर उनकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये नीले वाला जो पोर्शन है इसके बाहर नहीं बैठते, इसके अंदर ही बैठते हैं, येलो वाले के अंदर नहीं बैठते, मगर ठीक है कंटेस्टेड एरिया के बाहर ये कहीं पे भी बैठ सकते हैं आउटर आपके, और इस तरह से बैठते हैं कि वो एक दूसरे से डायगनली अपोजिट हो। यानी कि अगर एक बंदा यहां बैठा है तो दूसरे वाले को यहां बैठना पड़ेगा, एक यहां बैठा है तो दूसरे वाले को यहां बैठना पड़ेगा, इस तरीके से जो है ये लोग बैठते हैं कि एक दूसरे से ये डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में जाके बैठ जाए, ताकि हर तरफ से जो है ये आपके प्लेयर्स वगैरह को ढंग से ऑब्जर्व कर सकें। अब आते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। कंटेस्टेंट्स वगैरह को जब बुलाया जाता है आपको कॉम्पिटिशन के लिए, तो वो बंदा जिसने ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है ये पहले आता है, या फिर यूं बोलूं कि इसका नाम पहले बुलाया जाता है जिसने ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है, और उसके बाद में जो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ कंटेस्टेंट है उसको बुलाया जाता है। जो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ कंटेस्टेंट है वो रेफरी के राइट हैंड साइड पे खड़ा होता है, और व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए आपका जो कंटेस्टेंट है वो रेफरी के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होता है। अब जब मैच को शुरू करना होता है या फिर जो आपका बाउट आपका शुरू होने वाला है जूडो का, तब जैसे हम लोग स्टार्ट बोलते हैं वैसे ही रेफरी जो है जापानी में एक शब्द बोलता है हाजी में, तो जैसे ही उसने हाजी में बोला, जापानी शब्द है इसका मतलब होता है स्टार्ट, तो वैसे ही जो है आपका मैच शुरू हो जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि उसको टेम्परेरीली जो है मैच को रोकना है, दोनों ने लेट से दोनों में से किसी एक ने एक को पटक दिया, उसको लेट से पेनल्टी देनी है या पॉइंट वगैरह डिसाइड करवाना है, तो ऐसी वक्त में जो है वो इस वो मेट बोलता है, और जैसे वो मेट बोलता है तो टेम्परेरीली मैच आपका रुक जाता है। मतलब ये कि अगर 4 मिनट का मैच है, एक मिनट अब ये 4 मिनट का मैच शुरू करवाना है, तो रेफरी ने हाजी में बोला, जैसे ही उसने हाजी में बोला वैसे ही आपका मैच शुरू हो जाएगा। 1.5 मिनट लेट से आपका मैच चला है और उसके बाद में किसी ने एक पॉइंट स्कोर कर दिया या पेनल्टी कर दी, अब उसको मैच को टेंपरेरीली रुकवाना है कुछ वक्त के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए मैच को रुकवाना है, तो रेफरी आपका क्या बोलता है? मेट बोलता है रेफरी। अब जैसे ही मेट बोलता है वैसे ही आपके कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को छोड़ देते हैं और मैच जो है आपका टेंपरेरीली रुक जाता है, उसके बाद में फिर शुरू करवाते हैं, फिर हाजी में वगैरह बोल के आप मैच वगैरह शुरू करवाते हो। तो कुछ अपने कॉमन टर्म्स हैं जिनको अपने को याद रखना है, जो अपने से पूछे जा सकते हैं इनका मतलब क्या होता है और जूडो में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला हाजी में इसका मतलब होता है स्टार्ट, दूसरा सोर मेट का मतलब होता है कि टाइम खत्म हो गया, एक दूसरे को छोड़ दो, तीसरा होता है मेट का मतलब होता है कि टेम्परेरीली जो है एक दूसरे को छोड़ो, अभी थोड़ी देर में फिर से अपन लोग कॉम्पिटिशन वगैरह शुरू करेंगे, पॉइंट हुआ है या पेनल्टी हुई है ये डिसाइड करने दो, चौथा आता है ओसाई कोमी तब बोला जाता है जब आपने अपने ओपोनेंट को उठा के पटक दिया हो, जब आपने अपने ओपोनेंट को उठा के पिन कर दिया हो तब बोला जाता है ओसाई कोमी। अगला टर्म होता है
टोकेटा, टोकेटा का मतलब होता है इफ द पिंड अपोनेंट सक्सेसफुली ब्रेक्स द पिन, यानी कि ब्रेक्स द होल्ड, यानी कि या तो आप पटक रहे थे उसको और पटकने का आपने जो दाव लगाया था उसने वो दाव काट दिया, या फिर आपने उसको जकड़ लिया था और उसको आपकी जकड़ से निकलकर बाहर आ गया, उसने आपका दाव काट दिया, ऐसी कंडीशन में टोकेटा बोला जाता है। और अगला आता है कुजुशी, कुजुशी का मतलब होता है ब्रेकिंग द बैलेंस ऑफ द अपोनेंट। अगर आपने कुछ इस तरीके का दाव लगाया है, इस तरीके का वार किया है कि सामने वाला लड़खड़ा गया है, उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि कुजुशी हुआ है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, याद रखना है। हाजिमे का मतलब क्या, शुरू करो। सोर मेट का मतलब क्या, चार मिनट का टाइम खत्म हो गया। मेट का मतलब क्या, टेम्परली जो है मैच को रोको, थोड़ा हमको डिसाइड करना है कि आपका पॉइंट हुआ है या क्या हुआ है, और पॉइंट हुआ है या पेनल्टी हुई है, और उसके बाद में मैच आगे बढ़ाएंगे। वो सही काम ही, यानी कि आपने उठा के पटक दिया। तो केटा मतलब आप पटक रहे थे मगर उसके पहले पहले आपके अपोनेंट ने जो है आपका दाव काट दिया। एंड अगला कुजुशी, यानी कि आपने बैलेंस जो है अपने अपोनेंट का वो बिगाड़ दिया। ये अपने कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स वगैरह के ऊपर जो करवाए जाते हैं जूडो वगैरह में। अगर हम अपनी बात करें तो इंडिया में नेशनल स्कूल गेम्स होते हैं, उसमें जूडो एक स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया गया है। जूडो वगैरह जो है इसके कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं। अगला होता है सीबीएसई स्कूल नेशनल कॉम्पिटिशन, इसमें भी जूडो को शामिल किया गया है। तीसरा आता है फेडरेशन कप, ये इसमें भी जूडो वगैरह जो है करवाया जाता है, और ये तो खैर अब नेशनल लेवल पर है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लेवल पर वो होते हैं एशियन गेम्स, गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो है जूडो का सबसे बड़ा इवेंट है, इसमें अगर आप इसके अलावा जूडो की अपनी खुद की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, मगर ओलंपिक्स में अगर आप मेडल लेकर आते हो तो भाई उसकी बात जो है वो अलग होती है। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स वगैरह हैं जो जूडो में करवाए जाते हैं, या फिर जूडो इनमें इनका एक हिस्सा होता है। नेशनल स्कूल गेम्स में जूडो का कॉम्पिटिशन होता है, सीबीएसई के जो आपके स्कूल नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें, फेडरेशन कप में करवाया जाता है ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपका एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक्स में जो है जूडो वगैरह के पार्टिसिपेशन करवाए जाते हैं, जूडो के मैचेस वगैरह होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जूडो में जो अपन ने अभी देखा था कि लेवल्स वगैरह डिसाइड होते थे, इसी तरीके से जूडो में कुछ कैटेगरी वगैरह भी बनाई जाती हैं। लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं कि आपका अभी पारंगत कितने हैं, आप कितने ज्यादा दक्ष हो चुके हैं जूडो की आपकी टेक्निक्स में, आप ब्लैक बेल्ट हैं, ब्लू बेल्ट हैं, पर्पल बेल्ट हैं, क्या कौन से रेड रेड एंड व्हाइट बेल्ट है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगराइजेशन भी किया जाता है एज और वेट के बेसिस पर, या वेट के बेसिस पर और एज के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग जो है सेग्रीगेशन करते हैं, अलग अलग आपके जो ग्रुप्स बनाते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप अंडर 19 बॉयज की बात कर लें तो बिलो 40 केजी का एक आपका ग्रुप होता है, बिलो 45 केजी, 50, 55, 60 पूरी लिस्ट आपकी बनी हुई है कि अगर आप 40 किलो से कम के हो, 45 से ज्यादा के हो तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, 45 से ज्यादा के हो, 50 से कम के हो तो इस कैटेगरी में आ जाओगे। ऐसे अलग अलग आपके बॉयज के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। इसी तरह से लड़कियों की बात की जाए तो उनकी भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज बनी है कि 36 केजी से कम का अगर आपका वेट है तो आपकी एक कैटेगरी है, 36 से ज्यादा है मगर 40 से कम है तो एक कैटेगरी है, 40 किलो से ज्यादा है, 44 से कम है तो एक कैटेगरी है, 44 और 48 इस तरह से चार चार का जो डिफरेंस है वो करके आप, या फिर 52 केजी तक की कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसके बाद में फिर डिफरेंसेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ऐसी अलग अलग जो है आपकी जूडो के वेट के बेसिस पर आपने कैटेगरीज वगैरह बनाई हुई है अंडर 19 बॉयज के लिए और अंडर 19 गर्ल्स के लिए। इसमें अलग अलग इन कैटेगरीज वगैरह के मैचेस वगैरह करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जूडो में दाव पेश लगाने के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको अपना वेट वगैरह भी जो है मेंटेन करना पड़ता है। और इनफैक्ट ये पूरी की पूरी आपकी प्रक्रिया ऐसी होती भी है कि आपकी बढ़िया वेट और आपकी वेट वगैरह भी मेंटेन रहता है, फिटनेस भी ठीक रहती है, एक्सरसाइज वगैरह भी बढ़िया होती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को काफी ज्यादा स्वस्थ और बढ़िया शेप में रखने में आपकी हेल्प करता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने जूडो के बारे में डिटेल में बातचीत करी है कि जूडो के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से खेला जाता है, क्या उसके इवेंट्स वगैरह होते हैं, कितने लंबे ड्यूरेशन का उसका मैच होता है, पेनल्टीज कैसे होती हैं, विनिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग चीज़ें जो हमने देखी हैं, उसके ड्रेस वगैरह, उसके बेल्ट वगैरह, उसके अलग अलग सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बातचीत कर खत्म करी है। अब अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे और स्विमिंग के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह करना है, स्विमिंग जो है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर वो बातें अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं, यहां पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पे किसी तरीके की कोई फीस वगैरह कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट बिना कुछ पे किए, बिना कोई फीस वगैरह दिए एक्सेस कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे क्या शिकायत करते हैं कि YouTube चैनल पे कोई वीडियो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आती है या फिर आपको प्लेलिस्ट वगैरह आसानी से नहीं मिलती। वाजिब है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह अपलोड होते हैं। उस चीज़ का ध्यान वेबसाइट पे खास तौर पे रखा गया। जब आप वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पे सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एकदम अरेंज फैशन में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको ना कोई सब्जेक्ट को ढूंढने में दिक्कत होगी, ना किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। सब कुछ एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज है। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इन सबका जो कंटेंट वगैरह है एकदम अलग है। अब जैसे लेट से आपने किंडरगार्टन 12th इंग्लिश मीडियम CBSE पे क्लिक किया, तो उसकी सारी क्लासेस और सारा कंटेंट निकल कर आ जाएगा। इसमें अब आपको क्या पढ़ना है? लेट से आपने क्लास 11th पे क्लिक किया, तो उसकी जो आइकॉन है वो रेड हो जाएगी और उसके सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो कोर्सेज वगैरह हम ऑफर करते हैं वो सब निकल कर आ जाएंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आपका ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज, इस तरीके से जितने भी आपके सारे के सारे कोर्स हैं सब आ जाएंगे निकलकर। इनमें आप जिस पे भी क्लिक करते हैं तो उसका कंटेंट फिर आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा और इसको फिर आप देखना शुरू कर सकते हैं, इससे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना चाहें जो है आप उससे उतना ज़्यादा गेन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और करियर्स वगैरह बनाने के लिए जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में नॉलेज आपके काम आए उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में जितना हो सके उतने ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए। बाकी मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू, जय हिंद।